अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मैं आज क्या बना रही हूँ, तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल में ये देखें चिकन डाल दिया है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से धो ली थी, और ये सिरका भी इसके अंदर लगा हुआ था, और ये विंग्स हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं विंग्स भी हैं, बोनलेस भी है, दोनों तरह के चिकन मैंने लिया है। और इसके अंदर ये वाला एक मेयरिंग कप है, इसके अंदर मैंने एक कप बेसन और एक कप मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ मैदा, हाफ कप मैं इसके अंदर डालूँगी कॉर्नफ्लोर, हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर डालूँगी गार्लिक पाउडर, और हाफ टी स्पून ही मैं इसके अंदर डालूंगी जिंजर पाउडर, ठीक है। और आप चाहें तो इसकी जगह पेस्ट भी डाल सकते हैं, और मैंने ये डाला है हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, और ये वन कप जो है मैंने इसके अंदर केचप डाल दिया। केचप आप किसी भी फ्लेवर की ले सकते हैं, सिंपल केचप ले लें या फिर आप ले लें कोई भी फ्लेवर की, ठीक है। और इसके अंदर मैंने वन कप जो है डाल दिया है जूस, लेमन जूस, और वन कप सोया सॉस, वन कप सिरका डालूंगी। मेरे पास ये सबसे छोटा वाला कप है, तो ये वन टेबल स्पून के बराबर है, ठीक है। सो आप वन टेबल स्पून डाल सकते हैं। वन टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, वन टी स्पून रेड चिली पाउडर, वन टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, और ये मैंने इसके अंदर जो है हल्दी डाल दिया है हाफ टी स्पून, और वन टेबल स्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए, और जो नमक है वो हस्बे ज़ायका, और ये मैं इसके अंदर फूड कलर डाल रही हूँ, थोड़ा सा येलो कलर और थोड़ा सा मैंने ऑरेंज कलर डाल दिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसके अंदर कोई अंडा नहीं डाला, आप इसकी जगह जो है ना अंडा भी डाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। मैंने अंडा नहीं डाला, इसे ऐसे ही मिक्स कर लूँगी मैं, क्योंकि इसके अंदर केचप है और सॉसेस भी डाली हैं, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं, और इसके बाद हम इसे जो है मैरिनेशन के लिए रख देंगे। मैरिनेशन के लिए हमने इसे 30-35 मिनट्स के लिए रखना है, ठीक है। सो ये देखें बहुत अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया था, और इसका कलर देखें कितना अच्छा आया है। मैं आपको कलर दिखा रही हूँ, येलो कलर में है और बहुत ज़बरदस्त कलर है। कलर की वजह से भी बहुत चीज़ें अट्रैक्टिव लगती हैं, आप सभी जानते हैं। और अब हम इसे रख देंगे मैरिनेशन के लिए, और ये मैंने देख लिया है ये मैरिनेशन के बाद की मैं आपको लुक दिखा रही हूँ, आफ्टर 30-35 मिनट्स। और अब हम इसे फ्राई करेंगे, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ मैरिनेशन के बाद। और अब मैंने ये जो है ना ऑयल गर्म कर लिया था, ऑयल आपने ज़्यादा आंच मतलब कि ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी, आपने मीडियम पहले रखनी है। जब ऑयल थोड़ा गर्म होने लगे तो इसके अंदर चिकन डाल देना है, वरना चिकन जो जल जाएगा। और ये देखें मैंने डाल दिया, कितना अच्छा कलर आया है। मैं इसे थोड़ा सा फ्राई करूँगी, आपने इसे 5-10 मिनट तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। जब थोड़ा सा आपने देख लिया पक गया है, और उसके बाद आपने जो है ना हाई फ्लेम कर देनी है ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी हो सके। बहुत मज़े का ये होता है, जूसी क्रिस्पी सा, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखें यहाँ पर मैंने जो है इसे फ्राई कर लिया है, और अब मैं ना इसे निकालने वाली हूँ। ये मैंने निकाल लिया है, और ये मैंने जो बच गया था नेक्स्ट वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और यहाँ पर मैं सर्विंग कर रही हूँ। यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है, बिल्कुल क्रिस्पी से, और अंदर से भी बहुत मज़े की जूसी जूसी से क्रिस्पी से होते हैं ये। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। और ये देखें बिल्कुल से रेडी हैं, मैं आपको जो है वो इसे तोड़ के भी दिखाऊंगी अंदर से। ये देखें बिल्कुल से रेडी हैं और बिल्कुल से पक चुका है ये, और बहुत ही यम्मी, अंदर से जूसी बाहर से क्रिस्पी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़।